आज फिर उसने फॉर्म डाला, खुश था वो वैकेंसी देख के। बीत चुके हैं अब साल दो, नहीं आई डेट अब तक इम्तिहान की। दीज लाइन्स आर नॉट माइन बट दे हैव बीन रिटन बाई 19 ईयर ओल्ड आयुष हु इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम्स। बट बिफोर वी डेल्व डीपर इन टू दिस, टेक अ लुक एट हिज पोएम। मैं जब 12th की तैयारी कर रहा था, उस वक्त मैंने अपने सीनियर्स को देखते हुए एक कविता लिखा था। वो उड़ने के सपने लिए गांव छोड़ शहर आया था, लेकर आएगा वो ज्वाइनिंग, ऐसा वो कहकर अपने माँ से आया था। अभी नहीं करना दीदी की शादी, रोककर वो अपने पिता को आया था। होली, दिवाली, छठ और ईद सब कुछ उसने अपने कमरे में मनाया था। जब 2 साल उसके गांव छोड़े हुए हो जाता है, आज फिर उसने फॉर्म डाला था। खुश था वो वैकेंसीज देखकर। मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीके तैयारी किया उसने दिन रात एक करके। मैं पटना यही सपना के साथ आया था कि 12th के बाद 1 साल में एयरफोर्स में सिलेक्शन लेकर चला जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने कई सीनियर्स को अपनी जवानी रेलवे, एसएससी और अन्य ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में झोंकते देखा। इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि मैं भी अपनी जवानी इन चयन प्रक्रिया में झोंक लूं। वैसे जवानी तो हमने अपनी भी झोंक दी है, बट आयुष लाइफ हैज जस्ट बिगन। In 2020, he appeared for his class 12th board exams. In 2021 July, he gave his exams for Indian Air Force. Since then, he is awaiting his results. Typically, these results come out within 18 to 20 days, but it has been 7 months and there is no news of results yet. He even filed an RTI to know about the status of his results, but was told to keep checking the online platform. मैंने 2020 में अपना 12th complete किया। अब तक मैं एयरफोर्स का मात्र एक एग्जाम दिया हूँ। यदि वैकेंसीज रेगुलरली निकलती तो मैं 3 एग्जाम दे दिया रहता, और जो एग्जाम मैंने दिया है उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। लगभग 7 महीने होने को है, जबकि सामान्यतः रिजल्ट 18 दिन में आ जाते हैं। ट्विटर कैंपेन भी चलाएंगे रिजल्ट के लिए, लेकिन रिजल्ट अब तक नहीं आया है। तो अब तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम फिर से एग्जाम्स दोगे? अब मेरी उम्र एयरफोर्स के लिए मात्र 1.5 साल बचे हुए हैं। यदि भर्तियां सामान्यतः निकली तो मात्र 3 एग्जाम दे पाऊंगा, नहीं तो सपना धरा का धरा रह। बीत चुके हैं अब साल दो, नहीं निकली है डेट अब तक इम्तिहान की। बात भी उठने लगी है दीदी की शादी की, अब जरूरत उसे है पैसों की। छोड़कर वो अपने सपनों को कमाना चाहता है, पिस चुका है वो इस चक्की में, अब आटे की तरह रोटी बन जाना चाहता है। Grab the latest issue of Outlook that delves deep into the politics of jobs in Bihar and rest of the nation. Join us tomorrow for another ground report. For more in-depth news and views on elections, visit www.outlookindia.com.